ओके ग्रेड थ्री, आपका हिंदी का जो वर्क है वो है आपका पार्ट नंबर 11 से रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है कि आपने टोटो के कारनामे ज़रूर पढ़े होंगे और देखा होगा कि कितना शरारती बंदर है ये, पर उतना ही समझदार भी है। और इसकी जो एक्सरसाइज है जो आपने आज करना है वर्क, वो है एक तो उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। दादाजी ने टोटो डैश रुपए में खरीदा था। कितने रुपए दिए थे दादाजी ने, 5, 7 या 100 रुपए? नए जानवर के आने पर दादी हमेशा बात का डैश बना देती थी। बात का हलवा, बात का बतंगड़ या बात का खीर? अब आप सोचो कि कौन सा वर्ड सही से आएगा। डैश ने टोटो को उबलते पानी से बाहर निकाला। जब पानी में वो गिर जाता है तो कौन निकालता है, दादी? ऑब्वियसली दादी तो निकालेगी नहीं, लेखक होगा नहीं वहां पे, तो बच्चे कौन? दादाजी। महात्मा जी एक डैश ढूंढने बंदर को ढूंढने आए थे। उनको कौन सा बंदर चाहिए था, दुष्ट, पवित्र, अपवित्र? महात्मा जी को देखते ही टोटो जो शरारती बंदर था, वो महात्मा जी को देखते क्या हो गया, भाग गया, डर गया या फिर खुश हो गया? भागा तो नहीं था और ना डरने वालों में से था वो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, ये वाक्य किसने किस से कहे होंगे, मतलब ये जो लाइनें 4 दी हुई हैं वो किसने बोली और किसको बोली। यह पूंछ इसका तीसरा हाथ है। किसने कहा और किस से कहा, यह घर में बिल्कुल नहीं रहेगा? किसने मना किया था बंदर को घर में रखने के लिए, दादी ने और किसको? दादाजी को। क्या आपके घर में कोई पवित्र बंदर है, किसने पूछा था कि उनके घर पे? महात्मा जी ने। आप इसे ले जा सकते हैं, किसने बोला था कि आप इस बंदर को ले जा सकते हैं, ये आपका है तो आप इसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद है हमारे प्रश्न उत्तर, लास्ट वर्क पेज नंबर 70 का, लिख कर बताइए। टोटो की पूंछ उसके तीसरे हाथ का काम करती थी, कैसे? याद है जब वो लटकना चाहता होगा पेड़ से तो किसके साथ लटकता था, पूंछ के साथ, तो हुई ना वो उसका तीसरा हाथ। दादाजी टोटो की करतूत से खुश क्यों थे? पढ़ा हो लेसन तो आपने देखा होगा कि दादाजी बहुत खुश हुए थे जब उन्होंने ये पढ़ा था, और उन्होंने क्या कहा था कि ये काफी होशियार है, इसलिए वो बहुत खुश हुए थे उसको देखकर। टोटो उबलते पानी में कैसे गिर पड़ा? अब जब पानी में गिरा वो तो क्या लगा उसको, कि पानी जो है वो क्या गर्म है या कुछ और रखा हुआ है? आप यहां से पढ़ सकते हो कि वो क्या सोच कर उस पानी में कूद गया, कि पानी नहाने के लिए रखा हुआ है तो मैं इसमें नहा लेता हूं। और लास्ट क्वेश्चन है, लिखिए ऐसा क्या हुआ होगा कि दादी टोटो को रखने के लिए राजी हो गई होंगी। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच के साथ दादी का जो नज़रिया है वो प्रेजेंट करना चाहेंगे यहाँ पर, कि दादी क्यों मान गई होगी कि टोटो को रख लेते हैं घर में, क्यों उनको लगा कि टोटो को रख लेना चाहिए या क्यों वो रखना चाहेंगी, तो वो आप खुद लिखेंगे। शायद हो सकता है कि महात्मा के आने के बाद उनको ये लगा हो कि ये बंदर तो बहुत पवित्र है, अच्छा है, तो इसको रख लेना चाहिए, या फिर कोई और रीज़न कि दादी को उस पे स्नेह आया हो, उस पे प्यार आया हो, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिख सकते हो। थैंक यू।